पहली बार मेरे लाइफ 45 साल के जीवन काल में ऐसी परिस्थिति दिख रही है कि रूलिंग पार्टी हाउस में चलने दे रही है, यार रूलिंग पार्टी हाउस में चलने दे रही है। मुझे लगता है इनके दिल में खोट है, जिसके कारण इनको लग रहा है ये किसके किस विषय में और किसको एसोसिएट कर रहे हैं। आई हैड कॉल्ड सीनियर मेंबर दिग्विजय सिंह जी, एंड सिंस दिग्विजय सिंह जी डिड नॉट अवेल द अपॉर्चुनिटी, बट आई कॉल अपॉन दिग्विजय सिंह जी नाउ टू मेक हिज इनपुट एंड देन आई हियर इट। मिस्टर दिग्विजय सिंह सर, सर ये पहली बार हाउस में देख रहे हम लोग, मुझे भी 45 साल हो गए हाउस में, यार रूलिंग पार्टी हाउस में चलने दे रही है, ये जवाबदारी रूलिंग पार्टी की होती है कि सभा का संचालन सही ढंग से हो। ये पहली बार मेरे लाइफ 45 साल के जीवन काल में ऐसी परिस्थिति दिख रही है पार्टी हाउस भी चलने दे रही है। एवन मन डोर सर, मन डोर सर, रूल जीरो दे हाउस। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मुझे लगता है इनके दिल में खोट है जिसके कारण इनको लग रहा है और अब वो एसोसिएट कर रहे हैं किसी को इस विषय के साथ। मैंने तो नाम नहीं लिया था, अब ये किसके किस विषय में और किसको एसोसिएट कर रहे हैं ये जरा स्पष्टीकरण करें। मीडिया की ऑपोजिशन स्पष्टीकरण करें कि उन्होंने किसके किसके ये सेंटेंसेस बोले, किसकी वजह से ये रूलिंग किसको अप्लाई करती है। तो मैंने तो कोई नाम लिया नहीं है, आई हैव नॉट टेकन एनी नेम। ये किसको एसोसिएट करते हैं, कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति जिसने देश का अपमान किया, कौन है वो व्यक्ति जिसने सेना का अपमान किया। मैंने तो कोई नाम लिया नहीं, तो यानी ये जानते हैं कि किस व्यक्ति ने इस देश और देशवासियों को और सदन का अपमान किया, इसलिए हम उनसे माफी मंगवा रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि उनके नेता इस प्रकार के बयान देते हैं और ये सदन में नहीं डिस्कस करना चाहिए, पहले एक्नॉलेज करें कि किसकी जिक्र हो रही है।